हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड टॉपिक YT। मैं आपके साथ हर्षल सागर स्वागत करता हूं हम सबका इस स्टूडियो में। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, जैसे आप इस वीडियो को थंबनेल देख चुके होंगे, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आप कैसे बना सकते हैं इडली। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में आज मैंने आपको इडली बनाना सिखाया है दोस्तों। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, जरूर ट्राई करना, बहुत ही जल्दी भी बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में। तो गाइस, जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी मेरे चैनल पर 81 सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा नियर हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे 100 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करा दीजिए, ताकि हमारी जो YouTube फैमिली है वो 100 मेंबर्स की हो जाए। अभी हमारी फैमिली सिर्फ 81 मेंबर्स की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे बना सकते हैं इडली। उसके लिए हमने वैसे चार इंग्रेडिएंट्स चाहिए और हम इडली बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और देखिए, चार इंग्रेडिएंट्स मेरे पास दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरे पास दही है, ये मेरे पास सूजी है, ये मेरे पास सॉल्ट है, नमक, और ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है। आप देख सकते हैं ये बेकिंग पाउडर है मेरे पास। और इडली बनाने के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, हमें बस ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आप सबसे पहले आप दही को देखिए, जो आप क्वांटिटी लेंगे वो आप इक्वल लेना। आप एक कटोरी दही लेना और एक कटोरी सूजी लेना और इनको आप मिक्स कर दीजिए अच्छे से। आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना। बिल्कुल एक स्मूथ बैटर तक जब तक नहीं बन जाता। और गाइस, इस इडली को माइक्रोवेव में बना के दिखाऊंगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। देखिए, अभी ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, ये गाढ़ा है। तो रुकिए, मैं पानी लेके आता हूँ। सो गाइस, वाटर आ चुका है। आप इसको बस पतला करना, जितना ही आप इसके अंदर पानी डालना, ज्यादा पानी मत डाल देना। वैसे ये बैटर गाढ़ा है तो इसको पतला कर दीजिए। गाइस, धीरे धीरे वाटर ऐड करना। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारा बटर पतला हो चुका है। देखिए, अब हम इसके अंदर 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं, और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून है तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, अब हमारा बैटर कितना स्मूथ हो चुका है, ये देखिए। अब गाइस, इस बैटर को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट करा देना है। एक मैं छोटी प्लेट निकाल लेता हूँ अपनी। गाइस, अब इस बैटर को हमें 10 मिनट के लिए ढक देना है यहाँ पे। और चलिए, अब चलते हैं माइक्रोवेव। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने माइक्रोवेव की तरफ। देखिए, मेरा माइक्रोवेव है। और अब आप इसके अंदर 1/2 ग्लास
जो भी हमारा जो इडली वाला स्टैंड होता है आप उसके अंदर वाटर डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दीजिए। गाइस ये एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, अगर हमारा पानी गर्म होगा तो वो बहुत अच्छे से बनेगा। अब आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए और इसको 2 मिनट के लिए गर्म कर दीजिए। और ये देखिए ये जो मेरे पास इडली स्टैंड है आप इसको एक प्लेट पे रख के इसमें ऑयल लगा लीजिए और 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर अपना बैटर डालेंगे। तो चलिए अब हम इसके अंदर ऑयल लगा लेते हैं। सुबह जैसे आप देख सकते हैं कि अब मैंने जो इडली स्टैंड था उसको एक प्लेट में रख लिया है ऑयल लगाने के ताकि ऑयल नीचे ना गिरे, और मैंने एक ढक्कन में लिया है और आप इसको ऐसे थोड़ा सा लेके अपनी 2 फिंगर से इसको ऐसे लगा दीजिए। देखिए इसको अच्छे से स्प्रेड कीजिए और इतना जो हमने वाटर रखा था वो बॉयल हो रहा है हमारा। जैसे ही वो बॉयल हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर चिली का बटर डाल के इसको बेक करेंगे। देखिए जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से लग चुका है और चलिए अब हम इसके अंदर अपना सूजी का बैटर डालते हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी सूजी है डबल हो चुकी है, फूल चुकी है, 10 मिनट में इसको रेस्ट कराया था। और चलिए अब हम अपने इसको इडली स्टैंड में डालते हैं। आप इसके अंदर 1-1 स्पून डाल दीजिए। देखिए मैं कैसे डाल रहा हूँ, 1 स्पून लेके इसके अंदर डाल दीजिए। जैसे आप इसके अंदर डाल दीजिए आप एक बार इसको ऐसे फ्लैट कर दीजिए। अगर आप फ्लैट नहीं करेंगे तो फिर वो कच्चा पक्का ही रह जाता है। अच्छे इसको फ्लैट कर दीजिए और चलिए अब मेरे साथ। वैसे जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है इसको मैंने बॉईल करके निकाले, देखिए इसके अंदर से धुआं भी निकल रहा है। 2 मिनट इसको बॉईल करना था, आप जरूर कीजिए। और देखिए अब आप इसको यहाँ पे इसके अंदर रख दीजिए और अब हम इसको अंदर रखेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसको करेंगे बंद और यहाँ से इसका टाइम सेट करेंगे, आप इसको 6 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। और देख सकते हैं हमारी यहाँ पे बेक हो रही है। तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ 6 मिनट के बाद। और गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं ला जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और थोड़े दिनों के बाद मेरी स्टडीज से रिलेटेड वीडियो आएगी, अगर आपको उस वीडियो में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस नीचे आप कमेंट कीजिए यस या नो। तो चलिए अब वीडियो को देखते रहिए। अब मैं आपको मिलता हूँ 6 मिनट के बाद, एक लाइक कर ही दीजिए। A few moments later. So guys, जैसे आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव में इस इडली को रखे 6 मिनट है, अभी मैंने इनको निकाला नहीं है तो चलिए निकालते हैं। आप इसको सिंपली ऐसे कर लीजिए और इसको यहाँ से टैप नहीं हुई है और निकल दिए। तो देखिए दोस्तों जैसे जो हमारी इडलियाँ देखिए कितनी सॉफ्ट हैं। और गाइस इसके अंदर हमने ऑयल लगा रखा है लगे तभी ये आसानी से निकल रही है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये देखिए आपको। अब गैस थोड़ी गर्म है, देखिए देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट है और यमी है, देख सकते हैं। ये देखिए देखिए कितनी ही यमी और बनिया कितनी ही सॉफ्ट है, देखिए ये देखिए। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।